हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सीरियल अनुपमा में काव्या की चाल कामयाब हो चुकी है और वो पहुंच चुकी है वनराज के घर। जी हाँ दोस्तों, फाइनली उसने एक इमोशनल स्टेप यानी इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया है और यहाँ पर अनुपमा और वनराज के बीच में दूरियाँ क्रिएट करने के लिए वो पहुँच गई है शाह के घर। अब यहाँ पर बा ने तो इसके घर कदम पड़ते ही घर में आ कह दिया है कि भाई पिछली बार भी जब आई थी तो काफ़ी कुछ ड्रामा इसने किया था और काफ़ी गड़बड़ हुई थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। पता नहीं कौन सा नया तूफान ये साथ लेकर आई है, जिसने कि अब ये साफ हो ही जाता है कि अब आने वाले वक्त में अनुपमा के घर में तूफान आने वाला है और ये काव्या वाला तूफान घर को तहस नहस कर देगा। लेकिन इसके पहले ही कि ऐसा कुछ हो, अनुपमा को अंदेशा होगा कि काव्या का कोई ना कोई प्लान यहाँ पर ज़रूर है। वो इतनी आसानी से ऐसे कैसे घर में आकर रह सकती है और यहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रही। साथ में ही अनुपमा के सामने बहुत ही बड़ा राज आएगा कि वो अनुपमा को सब पता चलेगा कि काव्या ने अपना घर भी बेच दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर काव्या ने घर बेचा और उसके बाद में ये सब कुछ ड्रामा हुआ है। इस पर अनुपमा को शक होने वाला है और नंदिनी भी यहाँ पर अनुपमा की काफ़ी मदद करने वाली है। तो दूसरी तरफ राखी को भी जब इस बात की खबर होगी तो राखी भी अनुपमा को समझाते हुए नजर आने वाली है और एक बड़ा हिंट उसे देगी कि आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वेल, अब यहाँ पर अनुपमा किस बात से कैसे अब इस सच्चाई तक जाके इस सच्चाई को सामने लाएगी कि किस तरह से यहाँ पर काव्या प्लानिंग कर रही है इसके घर को बर्बाद करने की और कैसे अनुपमा अब यहाँ पर काव्या को सिखाती है सबक। तो भाई आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हो गए, जहाँ पर एक बार तो हमें लगेगा कि अनुपमा इस जाल में फंस चुकी है काव्या के और अब यहाँ पर काव्या अपनी जाल में कामयाब होती नजर आएगी। लेकिन एक वक्त यहाँ पर आएगा जहाँ हमें एक एपिसोड और एक वीक के लिए यहाँ पर कुछ दिनों के लिए हमें देखने को मिलेगा काव्या की जीत, लेकिन उसके बाद में अनुपमा अब काव्या को कैसे मात देती है और उसकी चाल में कैसे उसे फंसाती है देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, आप यहाँ किसके साथ हैं और आप क्या देखना चाहते हैं आगे के एपिसोड में, आगे क्या होना चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एपिसोड कुछ